हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने भी फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशंस या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से स्कैन करोगे एचपी प्रिंटर्स में, और जो भी चीज़ें आपने स्कैन की है जैसे कोई डॉक्यूमेंट, फोटो या फिर कोई भी चीज़ें, वो आप स्कैन करने के बाद कैसे सेव करोगे अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में। तो अभी जैसा आप देख सकते हो, मैं जो प्रिंटर यूज़ कर रहा हूँ वो है HP 310 ऑल इन वन इंक टैंक प्रिंटर। और आज मैं आपको जो भी प्रोसेस बताऊंगा वो सेम प्रोसेस आप कोई भी HP प्रिंटर्स के लिए यूज़ कर सकते हो जिसमें आपका स्कैनर का भाग रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जो प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है, जो भी प्रिंटर आप यूज कर रहे हो, जो भी HP प्रिंटर आप यूज कर रहे हो, उसका सॉफ्टवेयर और ड्राइवर सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में लोड करना होगा। तो उसे आप दो तरीके से लोड कर सकते हो। जब भी आप कोई नया HP प्रिंटर खरीदते हो तो बॉक्स में आपको एक CD मिलता है, आप डायरेक्टली उस CD को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में डालकर उसे इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर्टिकुलर प्रिंटर का सॉफ्टवेयर और ड्राइवर आप लोड कर सकते हो। कुछ कुछ केसेस में लैपटॉप्स में आपका CD और DVD रोम नहीं दिया जाता है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली HP के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर जो पर्टिकुलर प्रिंटर आपका है उस प्रिंटर का मॉडल नंबर वहां पर आप टाइप कीजिए और उसके जो भी ड्राइवर्स और सॉफ्टवेयर्स आएंगे उन्हें आप डायरेक्टली ऑनलाइन से ही इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हो। अगर आप वो पूरा प्रोसेस जानना चाहते हो तो उसका एक अलग से वीडियो है मेरे चैनल पर, आप जाकर उसे मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। मैं उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, आप उस प्रोसेस को फॉलो करके डायरेक्टली HP के ऑफिशियल वेबसाइट से ड्राइवर्स और सॉफ्टवेयर्स लोड कर सकते हो उस पर्टिकुलर प्रिंटर का जो आपके पास है। तो चलिए अब हम स्कैन का जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं। तो गाइज़, अभी आप यहाँ पर जैसा देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट HP प्रिंटर्स के सॉफ्टवेयर हैं। तो हम जो प्रिंटर अभी यूज़ कर रहे हैं वो है HP 310 ऑल इन वन इंक टैंक प्रिंटर। तो हमें इसी प्रिंटर का सॉफ्टवेयर यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको दिखा हुआ मिल जाएगा HP इंक टैंक 310 सीरीज़। तो इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आपका 310, 315, 319 जो प्रिंटर्स है वो आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले को डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं। तो जैसे ही आप इसे ओपन करोगे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, प्रिंट और स्कैन का। तो हमको क्या करना है, स्कैन करना है। तो यहाँ पर आप स्कैन को क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक मिनट गाइस, ऑप्शन मिलेगा स्कैन है डॉक्यूमेंट और फोटो, तो उससे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए लिख रहा है द HP इंक टैंक 310 सीरीज वॉज नॉट फाउंड। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि मैंने प्रिंटर को ऑन नहीं किया है। तो अब हम क्या करते हैं, प्रिंटर को ऑन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसे ऑन करोगे, प्रिंटर को ऑन करने के बाद प्रिंटर का USB अपने कंप्यूटर पर कनेक्ट कर लीजिए और ओके क्लिक कीजिए। फिर से हम क्या करते हैं, स्कैन ए डॉक्यूमेंट और फोटो को क्लिक करते हैं। तो देखिए ये हमारा ओपन हो रहा है अभी HP स्कैन। तो अभी ये जैसे ही ओपन हो जाए उसके बाद यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आप सेव, फोटो या फिर डॉक्यूमेंट जो भी स्कैन कर रहे हो उसे आप PDF के हिसाब से सेव कर सकते हो, JPEG के हिसाब से यानी कि फोटो के हिसाब से भी सेव कर सकते हो, या फिर उसे डायरेक्टली ईमेल एज PDF और ईमेल एज JPEG कर सकते हो। यानी प्रिंटर जो स्कैनर है वो आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा PDF में और तुरंत ही ईमेल एड्रेस में सेंड कर देगा। सिमिलरली फोटो में सेव करके आप उसे डायरेक्टली ईमेल में सेंड कर सकते हो। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, कोई एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं। तो अभी मेरे पास एक छोटा सा बुक है, इसे ही हम स्कैन करेंगे। तो हम लिड को ओपन करते हैं। एक और चीज आपको बता दूं, जो HP प्रिंटर्स है उसमें आपका स्कैनर राइट से लेफ्ट मूव होता है, इसीलिए राइट साइड में आप जो भी स्कैन कर रहे हो उसका हेड का पार्ट रखिएगा। यानी जैसे ये बुक है तो ये जो हेड है ये हम इस तरफ रखेंगे, अगर आप इसे इस तरफ रखोगे तो नीचे से ऊपर तक स्कैन होगा तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो उल्टा आ जाएगा, इसलिए हम इसे यहाँ पर रखते हैं और जो लिड है उसे हम बंद कर देते हैं। ये हो गया। उसके बाद आपको जो भी करना है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले PDF के हिसाब से सेव करते हैं, उसके बाद हम फोटो भी सेव करके देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो सेव एज PDF यहाँ पर लिखा हुआ है उसे ही सिलेक्ट कीजिए, वो सिलेक्ट पहले से ही है। आप उसे कोई भी साइज़ में, किस साइज़ में सेव करना चाहते हो वो यहाँ पर सभी ऑप्शन आपका दिया गया है, आप कर सकते हो बहुत इजीली जो भी आपको स्कैन करना है। उसके बाद नीचे आइए, कंप्यूटर
कलर में आपको सेव करना है या ब्लैक एंड व्हाइट में सेव करना है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम कलर में ही सेव करते हैं, सेव एज पीडीएफ में आकर बस स्कैन को क्लिक कर लीजिए। तो जैसे ही आप स्कैन को क्लिक करोगे यहाँ पर आप देखिए स्कैन हमारा होना शुरू हो चुका है। तो अब ये स्कैन होगा, स्कैन कंप्लीट होने के बाद वहाँ पर आपका सेव हो जाएगा पीडीएफ में, क्योंकि हमने पीडीएफ सिलेक्ट किया है। तो इसे हम स्कैन थोड़ा सा ऊपर मैं प्रेशर डाल रहा हूँ क्योंकि मोटा बुक है इसीलिए स्कैनर का लिड ऊपर हो रहा है। तो अब आप देखिए जैसे ही यहाँ पर स्कैन हुआ उसके बाद यहाँ पर देखिए जो फोटो है वो आ चुका है। तो अब हम क्या करते हैं इसे आप सेव कर लीजिए। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। तो आप इसे जहाँ भी चाहो वहाँ पर सेव कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ इसे यहीं पर सेव कर लेता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो पीडीएफ हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो अब हम इसे डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारा स्कैन हुआ या नहीं। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से हमारा जो बुक था वो स्कैन हो गया पीडीएफ में। अब हम क्या करते हैं वही बुक को, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, तो वही बुक को हम फोटो के हिसाब से स्कैन करते हैं। तो अब आप नीचे अगर आओगे तो यहाँ पर आप एग्जिट क्लिक कर सकते हो या फिर इसे क्लोज कर सकते हो। तो हम इसे क्लोज कर लेते हैं, फिर से स्कैन ए डॉक्यूमेंट को क्लिक करते हैं। तो इसे हम ओपन होने देते हैं। उसके बाद अगर आपको इसे फोटो के हिसाब से सेव करना है तो यहाँ पर आप सेव एज जेपीईजी सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद नीचे आइए और सेम स्कैन स्कैन का बटन जो है उसे दबा दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए स्कैन हमारा होना शुरू हो चुका है। जैसे ही स्कैन कंप्लीट होगा यहाँ पर हमारा जो फोटो है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम वो उसके लिए वेट करते हैं और देखते हैं स्कैन खत्म होने के बाद हमारा होता है या नहीं। तो जैसा आप देख सकते हो ये हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब आप यहाँ इसे रोटेट कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो इस तरह से सेव कर सकते हो, इस तरह से सेव कर सकते हो, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप बहुत इजीली सेव कर सकते हो। यहाँ पर देखिए डेस्टिनेशन फाइल टाइप ऑटोमेटिकली आपका जेपीईजी सिलेक्ट हो गया है। तो हमको और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर नीचे आके सेव का बटन सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप सेव का बटन सिलेक्ट करोगे, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा फोल्डर फाइल नेम चेंज कर देता हूँ नहीं तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पहले से एक पीडीएफ फाइल है सेम नेम से। तो अब देखिए ये हमारा हो चुका है। तो अब आप इसे खोलोगे तो ये आपका फोटो के हिसाब से खुलेगा। तो जैसा आप अभी देख सकते हो ये आपका फोटो के हिसाब से सेव हो चुका है। तो इसी तरह से आप स्कैन और सेव, स्कैन करके कोई भी चीज़ पीडीएफ के हिसाब से या फिर फोटो के हिसाब से सेव कर सकते हो। एक और चीज़ आपको बता दूं, बहुत से केसेस में लोगों ने मुझे पूछा है कि क्या हम कई बार स्कैन करके एक पीडीएफ में हम उसे लोड कर सकते हैं क्या, क्योंकि अभी आपने देखा हमने एक ही पीडीएफ सेव किया, एक ही फोटो सेव किया। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूं कि आप एक साथ में दो तीन चीज़ें कैसे एक ही बार स्कैन कर सकते हो और उसे एक पीडीएफ में सेव करोगे। तो फिर से आप क्या करियोगे, स्कैन ए डॉक्यूमेंट और फोटो को ओपन कीजिए। तो इसे पहले ओपन होने देते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, पीडीएफ में बहुत सारे चीज़ों को, मतलब एक पीडीएफ में दो तीन पेजेस हमको सेव करना है। तो अभी आपको क्या करना है, सेव एज पीडीएफ में आके स्कैन का जो बटन है फिर से हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो स्कैन का बटन है उसे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्कैन जो है वो हमारा शुरू हो चुका है। अब हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, पहले स्कैन होने देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपका स्कैन हो गया, यानी ये एक पीडीएफ बन चुका है। अब हमको क्या करना है, आप नीचे आइए, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक प्लस साइन मिलेगा, यहाँ पर लिखा है एड मोर पेजेस फ्रॉम द स्कैनिंग डिवाइस। तो अब क्या कीजिएगा इसे एक बार क्लिक कर लीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, जो भी आपको दूसरा स्कैन करना है उसे हम करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ इसी को पीछे कर लेता हूँ और जो लिड है उसे बंद कर लेता हूँ, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, आइए वापस कंप्यूटर स्क्रीन में और यहाँ पर स्कैन का जो बटन है उसे क्लिक कर लीजिए। तो देखिए ये जो दूसरा है वो स्कैन होना शुरू हो चुका है। सिमिलरली जैसे ही स्कैन खत्म होगा यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन में हमारा जो बैक साइड पेज है वो भी आ जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हो स्कैन हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर आता है या नहीं।
तो यहाँ पर हमारा आ चुका है, यानी एक पीडीएफ में दो पेजेस हमने सेव किए। अब आपको क्या करना है, जो भी अगर आपको और कुछ स्कैन करना है तो फिर से आप नीचे जाइए और ये जो ऐड का बटन है उसे क्लिक कीजिए। हम अभी दो बस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जाके सेव का बटन क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव का बटन क्लिक करोगे, यहाँ पर आप जो भी जहाँ पर सेव करना चाहते हो उसे सेव कर लीजिए और सेव का बटन क्लिक कर लीजिए। तो ये आपका सेव हो गया। जैसे ही सेव हो जाएगा, आप देखिए हमने तीनों पीडीएफ, एक पहला वाला पीडीएफ जो सिंगल पेज था, एक फोटो हमने किया, अब ये वाला पीडीएफ देखते हैं और इसमें दो पेजेस आया है या नहीं वो देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे नीचे चलते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पेज था। सिमिलरली जब आप नीचे आओगे तो ये देखिए एक ही पीडीएफ में आपका दो पेजेस हो चुका है। तो गाइज, आप इसी तरह से कोई भी एचपी प्रिंटर में स्कैन करके कॉपी करके सेव कर सकते हो, चाहे वो पीडीएफ के हिसाब से हो या फिर फोटो के हिसाब से हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोस के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।